अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नायला, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर इंडिया का। उम्मीद करती हूँ आप हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी होंगे। आप समझ ही गए होंगे तस्वीर देख कर के मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो पानी को मैंने कर दिया है बॉयल और इसमें डाल देना है आपको थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। ये है 250 ग्राम पास्ता और फ्लेम कर दूंगी तेज। डालना है इसे, इसमें आपको पानी ज़्यादा है तो एक टीस्पून में डालूंगी इसमें सॉल्ट और इसे चला दें ताकि ये आपस में चिपके ना। आज रिपब्लिक डे है तो जब तक मैं वीडियो रिलीज करूंगी तो ये काफ़ी टाइम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप सबों को हैप्पी रिपब्लिक डे। और जब तक ये बॉयल हो जाते हैं तब तक हम कुछ बातें कर लें। 8 मिनट तक आपको इसको बॉयल करना है, लमसम 8 मिनट में ये काफ़ी अच्छे तरीके से पक जाते हैं। दूसरी तरफ भी मैं पास्ता बॉयल करने चढ़ा दूंगी, इसमें मैं भी मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल और डाल दिया है 1 टीस्पून सॉल्ट और इसमें मैं डालूंगी मैक्रोनी शेप के पास्ता को। इसी भी मैं 8 मिनट तक पका लूंगी। ये आपस में चिपके ना इसलिए आप चला लें तो बेहतर। 8 मिनट हो चुके हैं तो मैं अब इस पास्ते को हाफ को मैं छान लूंगी क्योंकि मैं कलर देना चाह रही हूँ। तो मैंने कर लिया है कलर, 2 मिनट में इसे ऐसे पका दूंगी ताकि ये ऑरेंज कलर के हो जाए। लग तो रहा है कि बहुत अच्छे हो रहे हैं। इसमें मैंने डाल दिया ग्रीन कलर ताकि मैं इसे फ्लैग का कलर दे पाऊँ। हमारे फ्लैग की एक बहुत अच्छी बात है कि सैफरन कलर जो वो सैक्रिफाइस को सिंबलाइज करता है, कुर्बानी के जज्बे को, और वाइट कलर पीस और अमन को सिंबलाइज करता है, और हमारा ग्रीन कलर सिंबलाइज करता है ग्रोथ, डेवलपमेंट, ग्रीनरी को, और हमारा जो चक्र है अशोक चक्र को व्हील ऑफ टाइम भी कहते हैं क्योंकि उसमें जो 24 तीलियां होती हैं वो दिन के 24 घंटे को जाहिर करती हैं। मैं बनाऊंगी वाइट सॉस अपने पास्ता के लिए, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 50 ग्राम बटर। ये गर्म ज़्यादा हो गया है तो मैंने ऑफ कर दिया है, जब भी गर्म ज़्यादा हो जाता है ये फ्लेम हमें धीमी रखनी पड़ेगी। और इसमें मैं डालती हूँ, इस बटर में मैं डालूंगी 1 टीस्पून गार्लिक और 1 टीस्पून क्रश किया हुआ अदरक। बहुत सारे लोग ये नहीं डालते हैं मगर इससे फ्लेवर आपका बहुत अच्छा आएगा। ये मैं डालती हूँ तो जो मैं डालती हूँ, आपसे मैं चीट नहीं कर सकती तो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर, इससे टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। चूँकि मैं और इसको कंटिन्यू आपको चलाते जाना है और चूँकि मुझे फ्लैग बनाना है या फ्लैग की शक्ल लेना है तो मुझे थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टीस्पून भर के मैदा। इसे आपको बटर में अच्छी तरीके से थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूनना है, कम से कम 2 से 3 मिनट आपको अच्छे से इस तरह से मैदे को भून लें। देखिए मैं 2 मिनट से कंटिन्यू इसे भून रही हूँ। अदरक लहसुन की जो महक है या मैदे की वो ख़त्म हो जानी चाहिए। देखिए ये कलर भी चेंज करने लगे हैं। मैं अब यूज़ करूँगी विस्क का क्योंकि मुझे डालना है दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी मैंने 1/2 लीटर दूध डाला है और इसे कंटिन्यू 2-3 मिनट तक चला के मिक्स करना पड़ेगा ताकि ये जब तक कि ये सॉस की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए और सब कुछ मिक्स ना हो जाए। इससे आप चलाएंगे ना तो ये जो रेशे हैं वो गुठलियाँ नहीं बनेगी। अदरक तो होगा लेकिन मैदा को बिल्कुल मिक्स हो जाना है इस मिल्क में। इसे कंटिन्यू चलाना है और बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनी हैं।
बस थोड़े से अदरक के लच्छे हैं, और इसमें अब मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर, या काली मिर्च भी बहुत लोग कहते हैं, वो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं और ज़रूरी भी है क्योंकि क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है, और चिली फ्लेक 1/2 टीस्पून, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो मैं थोड़ा कम ही चिली फ्लेक का यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सी गार्निश में भी जाएगी, और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून सॉल्ट भी इसमें जाएगा। इसे आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। आप कहेंगे कि हम कब डालें पास्ते को इसमें, तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी पहचान है कि आप कोई भी स्पून लें, जैसे मैंने ये लिया, और देखें ये, देखिए ये इसकी कोटिंग आ रही है ना, ये कोट हो गया, देखिए बिल्कुल इधर लकड़ी का हिस्सा, यानी कि इस कंसिस्टेंसी में हमें पास्ते को डालना है। किसी भी स्पून से आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें से, देखिए मैंने आधा इधर कर लिया है दूसरे बर्तन पे, तो इसे अलग अलग मैं डिवाइड कर ले रही हूँ। अब इसमें मैं व्हाइट वाला पास्ता डालूंगी, पहले आपको डाल के दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं व्हाइट बना लूंगी ताकि ये वाली कढ़ाई मैं दोबारा यूज कर सकूँ, और बिल्कुल ये सब आप सिम पे करें, हल्के हाथों से करें। और एक अच्छी बात थी कि निलॉन्स का मैंने पास्ता मंगाया, तो थोड़े से उसने मसाले भी दिए हैं, तो वो मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ, और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम में डाल दूँगी, इससे टेस्ट बड़ा इन्हांस हो जाता है। 2 मिनट आपने सिम पे इसे पकाना है, और इस स्टेज पे सबसे लास्ट में इसकी सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये स्लाइस चीज़ थी हमारे पास, तो हमने ये डाल दी है, ये अच्छे से इस पे मिक्स हो जाएगी। वाइट वाले पास्ते को मैंने निकाल लिया है, इसका ये मैं अरेंज करके आपको दिखाऊंगी। पहले व्हाइट वाला बनाने का ये फायदा है कि मैं अब नेक्स्ट दूसरा कलर मैं इसमें बना सकती हूँ, तो मैं डाल रही हूँ ऑरेंज कलर के पास्ते को अब इसमें। देखिए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसमें मैं फटाफट करूंगी, थोड़ा डालूंगी क्रीम, फिर थोड़ी सी चीज़, वो प्रोसेस आपको दोहरानी है, ये फौरन हो जाती है, और 2 मिनट इसे आपको पकाना भी होगा। थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर, मैंने इधर निकाल लिया था, इसमें मैं डाल दूंगी ग्रीन वाला, इसमें भी मैं डालूंगी फटाफट चीज, और ये फ्रेश क्रीम जाएगा, और कर दें इसे फटाफट मिक्स। चलिए फटाफट करते हैं सर्व, रिपब्लिक डे के मौके पर, और इसकी खुशी में लीजिए हाजिर है फ्लैग को सिंबलाइज करता हुआ ये पास्ता। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा, उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे, और स्टूडेंट और यंग जनरेशन के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह से लाइक्स शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर कमेंट करें। आप लोग अक्सर लाइक बटन दबाना भूल जाते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।